साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर पृथ्वी सिंह, फैकल्टी गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। ई लेक्चर की इस श्रृंखला में आज हम MR 208 सब्जेक्ट के चैप्टर 1.2 यानी टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस पर चर्चा करेंगे। साथियों, उद्योगों में बहुत सारी मशीनें व उपकरण लगातार काम करते रहते हैं, अतः इनकी रख रखाव तथा समुचित देखभाल के लिए विभिन्न अनुरक्षण प्रणालियां काम में लाई जाती हैं। मुख्य रूप से जो अनुरक्षण प्रणालियां काम में लाई जाती हैं वे हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, इसको करेक्टिव मेंटेनेंस भी कहते हैं। दूसरी है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इसे शेड्यूल्ड मेंटेनेंस भी कहते हैं। तीसरी है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, इसे डायग्नोस्टिक मेंटेनेंस भी कहते हैं। और फोर्थ है कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस, और पांचवी है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ये प्रोडक्शन गलत लिख दिया, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। तो साथियों, हम अब एक एक करके इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज सबसे पहले हम जिसकी चर्चा करेंगे वह है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस यानी करेक्टिव मेंटेनेंस, हिंदी में इसे दोष निवारक अनुरक्षण प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत मशीनों या उपकरणों पर अनुरक्षण संबंधी कोई भी कार्य तब तक नहीं किया जाता जब तक कि उक्त मशीनों या उपकरणों में किसी प्रकार का ब्रेकडाउन नहीं हो जाता। अब ये ब्रेकडाउन क्या होता है? ब्रेकडाउन से तात्पर्य मशीन के अवयवियों यानी उसके विभिन्न पार्ट्स हैं, सिर्फ उनके टूटने मात्र से नहीं होता, बल्कि जब कोई मशीन अपना निर्धारित कार्य संतोषजनक ढंग से करने में सक्षम नहीं रह पाती तो उसे भी ब्रेकडाउन की स्थिति में मान लिया जाता है। साथियों, इस प्रणाली में मशीन में ब्रेकडाउन होने के कारणों का पूर्ण विश्लेषण किया जाता है तथा ऐसे उपाय भी किए जाते हैं कि उक्त प्रकार के ब्रेकडाउन की निकट भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, यानी वे दोबारा न घटें। इन उपायों में क्या क्या हो सकते हैं? इन उपायों में डिजाइन सुधारना, उसके परिचालन विधि में परिवर्तन लाना, अनुरक्षण विधि में सुधार करना तथा निरीक्षण की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन में परिवर्तन करना इत्यादि कार्य शामिल होते हैं। ब्रेकडाउन में हम आगे देखते हैं कि किसी भी फैक्ट्री में जब किसी मशीन या उपकरण में ब्रेकडाउन होता है तो उत्पादन विभाग अनुरक्षण विभाग को उक्त खराबी की लिखित जानकारी भेजकर उसके निवारण के लिए बुलाता है। एक अनुरक्षण दल यानी मेंटेनेंस टीम, जिसमें कई कार्य करने वाले होते हैं विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में, वो एक्सपर्ट होते हैं, आकर उक्त मशीन या उपकरण में उत्पन्न खराबी की जांच करके उसे दूर करके करने की आवश्यक कार्रवाई यानी मरम्मत करके वापस चले जाते हैं, और पुनः तब ही आते हैं जब फिर से किसी मशीन में खराबी होने पे उन्हें बुलाया जाता है। यानी इन प्रकार की अनुरक्षण प्रणालियों में जो इक्विपमेंट फेलियर है वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द ऑपरेशन और प्रोडक्शन और जनरेट एनी सिग्निफिकेंट लॉस्ट अदर देन रिपेयर कॉस्ट, यानी इनमें अन्य किसी प्रकार का लॉस्ट इम्पोर्टेंट नहीं होता, सिर्फ जो रिपेयरिंग कॉस्ट होती है वो ही आती है। तो इस प्रकार यह प्रणाली उन्हीं उद्योगों में अपनाई जाती है जो कि संरचना में बहुत छोटे होते हैं और अलग से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट रखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें अलग डिपार्टमेंट का खर्चा आता है और वो डिपार्टमेंट का खर्चा इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना चाहते। साथियों, इस अनुरक्षण प्रणाली के कुछ लाभ
हुए और कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं। अब इनके बारे में हम देखेंगे कि इस अनुरक्षण प्रणाली के क्या क्या लाभ और क्या क्या हानियाँ हैं। साथियों, आपके एग्ज़ाम में बोर्ड में ये प्रश्न पूछा जाता है कि विभिन्न प्रकार की अनुरक्षण प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं, तो आपको ये जो अभी मैंने बताई थी ये अनुरक्षण विभिन्न अनुरक्षण पांच प्रकार की प्रणालियों के नाम लिखने हैं, तथा अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसमें ये आता है किसी एक प्रकार की अनुरक्षण प्रणाली के बारे में बताइए। तो हम अभी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, इसके बाद में मैं अगले सेशन में जो अन्य प्रणालियाँ हैं उनके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो इस प्रणाली के ब्रेकडाउन अनुरक्षण के क्या लाभ हैं ये देखते हैं हम। इसमें पहला लाभ ये होता है कि इस प्रकार की अनुरक्षण प्रणाली उन मशीन व उपकरणों के लिए अन्य प्रणाली की तुलना में कम खर्चीली रहती है, जिनका डाउन टाइम तथा मरम्मत लागत बहुत अधिक नहीं होती, यानी जो डाउन टाइम है और रिपेयर कॉस्ट है वो कम होती है, उनके अंदर ये प्रणाली लाभदायक होती है। दूसरा, इस प्रणाली में मशीनों के अनुरक्षण के लिए ज़्यादा कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यह प्रणाली जो छोटे उद्योग हैं लघु उद्योगों के लिए अधिक उपयुक्त होती है। और तीसरा, इसके अंदर जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि रिकॉर्ड बनाने का कार्य अन्य अनुरक्षण प्रणालियों की तुलना में बहुत कम रहता है। अब आइए हम देखते हैं इस प्रणाली की क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज ऑफ ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, इस प्रकार के अनुरक्षण में कई बार जब मशीन ख़राब होती है तो हमें पता नहीं होता कि उसके जो स्पेयर पार्ट्स कौन कौन से लगेंगे, तो उन स्पेयर पार्ट्स को बाहर से मंगवाया जाता है और ये स्पेयर पार्ट्स मंगवाने में काफ़ी समय लग जाता है, तथा मशीन की मरम्मत में भी उम्मीद से अधिक समय लगता है। इससे मशीन का डाउन टाइम बढ़ जाता है और जो उत्पादन है वो बुरी तरह से प्रभावित होता है। तो ये इसकी पहली डिसएडवांटेज है। दूसरी है मशीनों की यथार्थता यानी एक्यूरेसी धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि इस प्रणाली में समय रहते किसी प्रकार की जांच नहीं की जाती। तीसरा, मशीनों में नियमित अनुरक्षण न होने से उनकी दक्षता यानी एफिशिएंसी कम होने लगती है। नेक्स्ट है, मशीनों की दक्षता कम होने से प्रोडक्टिविटी भी कम होने लगती है, जिसके फलस्वरूप लाभांश घटने लगता है। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। इसके बाद में साथियों हम देखते हैं कि दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ने लगती है, और दुर्घटनाओं का अगर भय रहता है तो श्रमिकों तथा मशीनों की सुरक्षा कम होने लगेगी, और इससे फिर जो श्रमिक हैं वो भयभीत रहते हैं कि कहीं कोई दुर्घटना न घट जाए। इसके अलावा जो क्रिटिकल मशीनें हैं या इम्पोर्टेंट मशीनें हैं, जैसे क्रेन, होइस्ट, लिफ्ट, प्रेशर वेसल्स जैसे महत्वपूर्ण मदों को इस प्रणाली से कभी भी सुरक्षित करने की सलाह नहीं दी जाती। तो साथियों, इस प्रकार आज मैंने जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है उसके बारे में आपको बताया, और उससे होने वाले लाभ यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में चर्चा की। आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।